हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। विशेष चर्चा हुआ कि भगवान कौन है। परम भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसके बारे में चर्चा हुआ। कल चर्चा हुआ नारक के बारे में और नारक से मुक्ति कैसे कैसे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः, ये एकमात्र उपाय है। शुद्ध शुद्ध भक्ति करने से हम वास्तव में सारे सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करना है। तो भगवान कृष्णा उसके लिए अलग अलग लीला कर रहे हैं, जिस लीलाओं में दिखाते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है। और कृष्ण का जो लीला है, विशेष कृष्णा लीला, सबसे मधुर लीला है। ये उस दिन बात हुआ कि कृष्णा के समान ये उससे आगे कोई नहीं है, असमा ऊर्ध्वा। तो ये विशेष चीज है श्रीमद् भागवतम, जो 10वां स्कंद है, जो भी उपलब्ध है यहाँ पर। इस पुस्तक का नाम है कृष्णा, पुनः पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा, उसी में सारे लीलाओं का वर्णन है। तो ये 10वां स्कंद भागवत, तो वहाँ वर्णन है कि कृष्णा क्या क्या लीला किया। उस दिन हम चर्चा किया गोवर्धन पूजा के बारे में, ये गोवर्धन लीला, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। तो ये तो विशेष लीला है, लेकिन कई बार लग रहे कि कृष्ण एक बालक है केवल, एक जैसे लाडू गोपाल है। गोपाल गोपाल मतलब क्या है, वो गाय की सेवा कर रहे, गाय को बाहर चराते, वन में जाते, घर पर जब है तो बहुत परेशान कर रहे, जैसे ये बाचे। तो वो उसे और भी कृष्णा ऐसे वो और भी उन्होंने नुकसान किया घर पर। ये बाइक वाले ऐसे बार बार आते जाएंगे, वहाँ किसी को रखती। तो कृष्णा ने बहुत मस्ती किया। तो वर्णन है कि उस दिन एक दिन, क्योंकि यशोदा माई के घर पे, नंद महाराज के घर पे कितना गाय है, 9 लाख गाय है। हमके पास कितना, 3 1 2 3 सेवा है कठिन है, सुबह बार बार देखना पड़ेगा। सोचिए 9 लाख कितना सेवा होगा। तो वर्णन है कि नंद महाराज के घर पे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन उस दिन ऐसे हुआ कि सारे जो भी वहाँ सेवक थे सब अलग अलग कार्यों में व्यस्त थे। इसलिए यशोदा माई अपने आप दाही मंथन शुरू किया, क्योंकि दाही मंथन से मक्खन बन जाते हैं, मक्खन से घी। लेकिन एक्चुअली माखन जो है वो ज़्यादा, वो भी महत्वपूर्ण है कृष्णा लीला में, देखेंगे क्या हुआ। तो ये माखन बनाने के लिए यशोदा माई तैयार कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने चूल्हा में रखा दूध उबालने के लिए, क्योंकि दूध से अलग अलग मिठाई बनाते, जैसे पेड़ा है, राबड़ी है, क्या है, रसगुल्ला है, क्या बनता है, बहुत सारे आइटम्स केवल दूध से। तो अभी दूध रखा वहाँ पर बनने के लिए और अभी मंथन शुरू किया। बहुत मेहनत किया, आपको पता है, आप करते हैं दही मंथन करते हैं, ऐसा है ये, ऐसा बहुत बड़ा जो है। तो ये गोपियों का कार्य है। तो ऐसे करते करते
अभी कृष्णा वहाँ पहुँच गए और कृष्णा है बहुत छोटे हैं अभी अभी तक उनको वो अपनी माँ का दूध पीते तो माता यशोदा माई को पकड़ रहे सारी के लिए भूख लग रहे हैं तो यशोदा माई ने कृष्ण को दूध पिलाया आपने कार्य रख दिया छोड़ दिया और कृष्ण को अभी दूध पिलाते और वर्णन है कि यशोदा माई इतना आनंद में है कि अभी कृष्ण को अपने स्थान से दूध पिलाते और कृष्ण जो मधुर उनका जो मधुर चेहरा है और पूरा शरीर माखन जैसा है ये कृष्ण है सर तो ये सब वर्णन है लेकिन बाद में क्या हुआ क्योंकि यशोदा माई ने वो रख दिया वहाँ पर दूध उबालने के लिए चूल्हा में तो अभी ये दूध उबालने लगा उबाल रहे जब दूध उबाल रहे आपको पता है कि बर्तन से बाहर आएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ठीक है बैठ जाओ हरे कृष्ण परीक्षा हो रहा है भगवान की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम संकीर्तन जय हरे हम चर्चा कर रहे सुनिए हरे कृष्ण तो अभी माखन बन रहे दूध उबाल रहे और कृष्णा दूध पी रहे
लेकिन साथ साथ दूध उबाल रहे वहां पर और दूध निकालने लगा। तो अभी आपके घर पर गैस है ना, स्विच ऑफ करेंगे तो ठीक होगा, लेकिन वृंदावन में गोकुल में गैस नहीं है, वहां तो लकड़ी का चूल्हा है। तो तब क्या करना है, मटका को मतलब बर्तन निकालना पड़ेगा तुरंत, बंद नहीं कर सकते, आग निकाल सकते नहीं तो मटका निकालना। तो यशोदा माई ने कृष्ण को रखा क्योंकि दूध उबल रहा है अभी, तो कृष्ण को नीचे रखा और दूध वो पूरा बर्तन वहाँ निकाल रहे। तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आ गया, माई माँ को क्यों मुझे वहाँ रख दिया नीचे, तो बहुत गुस्सा हो गया, संतुष्ट नहीं थे। जब भी यशोदा माई ये जो दूध उबल रहे वहाँ पर, ये केवल कृष्णा के लिए है, कुछ अलग है तो नहीं है उसका। हरे कृष्णा। तो ये केवल कृष्ण के लिए, यशोदा माई वहां भी कर रहे, वो दूध भी कृष्ण के लिए वो मिठाई बन जाएगा, इसलिए यशोदा माई वो वेस्ट नहीं होना चाहती, तो इसलिए कृष्ण को रख दिया। लेकिन कृष्ण को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मटका जिसमें मंथन हुआ, जहां पर अभी माखन था, कृष्ण वो तोड़ दिया, पत्थर फेंक दिया उसने, और बाद में भाग गया वहां से। उन्होंने एक्चुअली माखन वहां से लिया, माखन खाया और बंदर को भी खिलाया, ये सब वर्णन है कि कैसे कृष्ण खुद खाया कभी, बाद में बंदर भी आ गया उनको भी खिलाया सब। और ये जो मटका है ये टूट गया, इसलिए जो मंथन का जो पानी है, क्या बोलते हैं इसको, दास नहीं है और कुछ, मंथन जो करते हैं तो पनीर का जो वो पानी जो आता है वो सब निकल रहे। और कृष्णा जब चल रहे तो उनके जो पाँव है वो भी उसमें लग गए, गीला हो गया, और जहाँ भी चले गए छीन भगवान के कृष्ण के जो छोटे पाँव थे, तो उसका छीन सब सब जगह में दिखाई दे रहे। तो बाद में जब यशोदा माई वापस आए तो देख रही ये मटका टूट गया, कैसे हुआ, ये कौन किया। तो बाद में देख रहे कि वहाँ पाँव के छीन है कृष्ण के छोटे छोटे, और देख रहे कहाँ तक चले गए। तब यशोदा माई भी गुस्सा हो गया, गुस्सा मतलब ये जो बच्चा है उसको कुछ सिखाना पड़ेगा, अगर ऐसे गलत करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए एक दंड लिया और कृष्णा को पकड़ने के लिए गए, उनको ऐसे दिखाया कि पिटाई करेंगे। तभी ये छोटा बालक है कृष्णा, उनको दंड लग रहा है, और अभी दौड़ते दौड़ते जल्दी दौड़ते, जितना उनके पास लग रहा है कि एक छोटा बच्चा जब दौड़ते जितना भी उनके पास शक्ति है तो दौड़ रहे, और यशोदा माई उनके पीछे दौड़ रहे। कुछ समय यशोदा माई ने पकड़ लिया कृष्ण को, लेकिन लग रहा है कि अभी उनको पिटाई नहीं कर सकते, इतना छोटे हैं, इसे फिर भी उसको सिखाने के लिए कुछ तो करना है, उनको दंड देना चाहिए। तो यशोदा माई ने विचार किया कि ये बच्चा को अभी हम बांध देंगे रस्सी से। तो वहाँ पर एक ओकल था, क्या बोलते हैं ओकल, मोटर पोखरी बोलते हैं, तो उसमें कृष्ण को बंद करने के लिए प्रयास किया, तो एक रस्सी एक छोटा बच्चा को बंद करने के लिए इतना काफी होना चाहिए, लेकिन दो उंगली छोटा था, थोड़ा छोटा हुआ, ठीक है। घर पे बहुत सारे रस्सी हैं, 9 लाख गाय है, हर एक गाय के लिए रस्सी है, तो एक और लाया तो बंद दिया, जोड़ दिया, और अभी फिर भी छोटा है, नहीं आता, दो उंगली छोटा है, ठीक है। तीसरा लिया, जोड़ लिया, छोटा है, तो जोड़ रहे सारे रस्सियों जो जितना भी राशि है घर पे सब जोड़ दिया, फिर भी छोटा है, कैसे हो सकते। आचार्य बताते कि सारे गोपियाँ भी आए गांव से और अपने घर से भी लाया, जोड़ दिया, छोटा हो गया,
इतना मेहनत किया, ये इतना एक राशि बनने से इतना मेहनत नहीं होगा, लेकिन इतना सारे राशियों को जोड़ना और बंद करने के लिए प्रयास करना बहुत बड़ा काम है, परिश्रम है। तो यशोदा माई पसीना आ रहे, ये बाल फूल गया, तो परिश्रम कर रहे कृष्णा, ये देखकर संतुष्ट हो गया, क्योंकि यशोदा माई ने कृष्ण को बंद करने के लिए प्रयास किया। क्यों? प्रेम से, भक्ति से, क्योंकि ये हमारे कृष्णा है। अगर वो ऐसे गलत उनका चरित्र होगा तो तब उनके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उनको सिखाने के लिए ऐसा किया। और कृष्णा ने तब अनुमति दिया और बंद हो गया। अभी यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं, बहुत हजारों दिव्य वर्ष तक भगवान के मोक्ष प्राप्त करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए, फिर भी बहुत कठिन भगवान का दर्शन मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक गोपी, गांव की औरत भगवान को पकड़ते, भगवान को बंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में संभव नहीं है। लेकिन कैसे यशोदा माई ने कृष्ण को बंद दी? एक चीज है कृष्ण ने यहां दिखाया, जितना भी मैं छोटा हूं फिर भी मैं भगवान हूं। इसलिए वाना है नमम ईश्वरम सचित आनंद रूपम, ये जो कृष्ण है बाल गोपाल वास्तव में ईश्वर है, उनका सचित आनंद रूप है, नित्य है, संपूर्ण ज्ञान और आनंद का रूप है, और उसको हम बंद नहीं कर सकते। परंतु कैसे बंद दिया, कैसे बंद दिए यशोदा माई? वानर ने भक्ति बाधन, राशि से नहीं, भक्ति से, प्रेम से यशोदा माई ने कृष्ण को बंद दिए वहां पर। तो हमारे लिए शिक्षा, हम भगवान को अपने शक्ति से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परंतु हमारी तरफ से प्रयास तो करना होगा, जैसे यशोदा माई ने बहुत प्रयास किया कृष्ण को बंद के लिए करने के लिए, और बाद में जब भगवान कृष्ण संतुष्ट थे तब बंद हो गया। तो ये दो उंगली जो बताते हैं, रसी दो उंगली छोटा था, एक उंगली मतलब हमारी तरफ से प्रयास, और दूसरा उंगली मतलब भगवान की तरफ से कृपा, आहितु की कृपा। अगर भगवान आहितु की कृपा देंगे लेकिन हम प्रयास नहीं करेंगे उसको ग्रहण करने के लिए, तो नहीं हो पाएगा। अगर हम प्रयास करेंगे परंतु भगवान की आहितु की कृपा नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो दोनों तरफ से, तो ये इसका शिक्षा है। तभी कृष्णा बंद हो गया, ओकल में आप क्या, अब छोटे बच्चे तो जो भी करेंगे आराम से नहीं बैठेंगे। तभी कृष्णा ऐसे बंद किया दामोदर, इनका नाम है दामोदर, क्योंकि यहां उधर यहां तक बंद हुआ। तभी कृष्णा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं इधर उधर भागने के लिए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी ये जो मोटर है, ओकल है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, इतना चौथा नहीं है, फिर भी वो जो थोड़ा आगे प्रयास कर रहे तो ये सब वो ओकल गिर गया, और कृष्णा धीरे धीरे आगे जा रहे, और ओकल वो राशि से बंद हुआ तो खींच रहे पीछे पीछे। तो वहां उसी दरबार के नंदा महाराज के दरवाजे में दो बड़े वृक्ष है, अर्जुन वृक्ष, जिसका जड़ बहुत मजबूत है, बड़ा तूफान उसको नहीं तोड़ेंगे, उसको काटना भी कठिन, बहुत गहरा में जाएगा अर्जुन वृक्ष। तो दो वृक्ष है वहां पर जो हजारों हजारों साल से है वहां, बहुत बड़े, जैसे ये हजारों साल तक हो गया, तब से होगा ये पीपल का जो वृक्ष है ना। तो अभी ये छोटा बालक ये ओकल खींच रहे पीछे पीछे, और इतना पास था ये दोनों वृक्ष, जब कृष्णा तो पार किया दोनों वृक्ष के बीच में, लेकिन ओकल फंस गया वहां, तभी लगे आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऐसे कर रहे तो दोनों वृक्ष अचानक से गिर जाते, बहुत भयानक आवाज, पूरा लग रहा कि अर्थक्वेक हो गया, मतलब कि भूकंप हो गया। सबको लगा कि ये क्या, पूरा वृंदावन हिल गया है, ये आवाज कहां से है, क्या हुआ, सबको डर लगा।
तो अभी क्या है, जब गिर गया तो कृष्ण ब्रिज में थे, उनके ऊपर नहीं गिरा, परंतु वर्णन है कि उस समय उसकी दोनों वृक्ष में से दो दिव्य व्यक्ति प्रकट हो गया, देवता, और वो भगवान की स्तुति करते। उसी स्तुति में ये दोनों बताते अपने इतिहास के बारे में, अपने पूर्व जन्म के बारे में। ये दोनों नाला कुबेर और मणिग्रीव है, कुबेरे के पुत्र। कुबेर जो खजाना का, उनका जाना है, उनका काम देवतों का जो खजाना है वो कुबेर के पास, कुबेर के पास। तो उनके दो पुत्र हैं मणिग्रीव नाला कुबेर। तो बताते हैं कि क्या हुआ, पूर्व जन्मों में वो दोनों स्वर्ग में थे, स्वर्ग में वहाँ अप्सराओं के साथ एंजॉय करते थे, मतलब जो ऊपर है ऐश्वर्य बहुत है उनके पास, दान संपत्ति और सुंदरता, सोमरस, तो वो सोमरस पीते थे, नाशे में थे अप्सराओं के साथ, तालाब में स्नान करते थे, एंजॉय करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग में सब अलाउ है, वहाँ पर कोई पाप नहीं है, कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो चल रहा है, अभी नारद मुनि देवर्षि नारद पहुँच गए वहाँ पर, वो कहीं भी जा सकते। उस दिन चर्चा हुआ कि नारद सब जगह में ब्राह्मण करते और प्रचार करते, तो उस दिन वहाँ ही पहुँच गए। तो जब वहाँ पहुँच गए, सारे जो अप्सरा हैं अपने शरीर को कवर किया, तुरंत वस्त्र पहन लिया, क्योंकि साधु पहुँच गए, साधु के सामने आधार होना चाहिए, उनको आधार करने के लिए अपने को आवृत करना, ये ऐसे। तो लेकिन नाला कुबेर और मणिग्रीव नाशे में थे, तो कुछ नहीं किया, वो नंगे थे वहाँ, और वो हंसते थे और मजा करते। तो नारद मुनि ये दोनों को सिखाने के लिए, क्योंकि देवता है, देवों तो अच्छा आचरण होना चाहिए, वो कुछ उनके पास है व्यवस्था इंद्रिय भोग के लिए, परंतु जब साधु आएगा उनको अच्छा व्यवहार होना चाहिए देवों को। तो नारद ने सोचा कि ये सही आचरण नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत गुस्सा में श्राप दिया कि तुम दोनों नंगे यहाँ खड़े रहते, वृक्ष जैसे, वृक्ष में कोई कपड़ा नहीं है, तो इसलिए तुम दोनों वृक्ष बांध जाओगे, यहाँ स्वर्ग से जाएंगे पृथ्वी पर और वृक्ष बांध जाओगे, क्योंकि कपड़ा नहीं पहनते, तो वृक्ष जैसे खड़े रहो, मतलब खड़े हो जाओ और ऐसे। तो अभी दोनों समझ में आया कि हमने गलती किया, कि हमने गलत आचरण किया, और देवर्षि नारद अगर श्राप देंगे तो ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो भी साधु श्राप देंगे तो ये हो जाएगा। तो डर लगा, तो माफ़ करने के लिए प्रार्थना की, हमने गलती किया, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। तो अब नारद ने कहा, जो मैंने श्राप दिया वो मना बंद नहीं कर सकते, परंतु तो एक चीज़ है कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे वृंदावन गोकुल में नंद महाराज के दरवाजे पर, और बाद में कृष्णा का दर्शन मिलेगा, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण आपको उधार देंगे, ऐसा हुआ। तो दोनों वृक्ष इस प्रकार बन गए। तो इससे हम सीख सकते कि हमारा आचरण सही होना चाहिए, ऐसे भी सामान्य था, परंतु जब साधु और भक्तों का संग है तो उसमें विशेष किसी को अपमान नहीं करना है, लेकिन विशेष वैष्णव या साधुओं को अगर हम अपमान कर रहे हैं तो हो सकता है कि साधु कुछ नहीं बोलेंगे, परंतु भगवान देख रहे हैं। अगर वास्तविक भक्त है कोई तो भगवान के प्रिय है। कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रति जने प्रियो सिने। जो बात हमेशा भगवान को याद कर रहे हैं, मनन करते हैं, जो भगवान के बात है, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और उनको नमस्कार बारंबार प्रणाम देते हैं, तो प्रियो सिने भगवान ने कहा उनके प्रिय है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम पर अपमान किए तो भगवान प्रसन्न नहीं है। परंतु इस परिस्थिति में हम देखेंगे कि नारद मुनि ने श्राप दिया, और जो महान वैष्णव श्राप देते
वास्तव में आशीर्वाद है, क्योंकि ये जब मानिग्रीव नारद को यार कृष्णा को अपना इतिहास बताते, जो कृष्णा को सब कुछ पता है फिर भी बता रहे थे कि हम ऐसे, और वहां कृष्णा बाद में बताते कि नारद मुनि ने आपको बहुत बड़ी कृपा दी, क्योंकि भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना बहुत कठिन। ये हम चर्चा किया 11वां अध्याय कि देवी देवता भी इच्छुक है कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना, फिर भी नहीं मिलता है बारंबार। तो अभी नारद मुनि की कृपा से दोनों भगवान का दर्शन प्राप्त किया। तो ये दूसरा शिक्षा है कि अगर भगवान का दर्शन, कृष्ण का दर्शन साक्षात प्राप्त करना है, तब उन्हीं के भक्तों की कृपा चाहिए और इन्हीं के भक्तों का मार्गदर्शन। तो ये साधु संघ का बहुत बड़ा महत्व है कि अगर साधु श्राप भी दिया, अगर वास्तविक भक्त है भगवान के, तो हमारे लिए आशीर्वाद हो जाएगा, लेकिन बीच में हो सकते थोड़ा कष्ट होगा, बस इतना ही। तो ये मानिग्रीव नारद को वह श्राप मिला, नंदा को, नंदा महाराज के दरवाजे पर हजारों साल तक प्रतीक्षा किया, परंतु बाद में भगवान दोनों वृक्ष को गिराया और दोनों को मोक्ष दिया। तो ये उनका विशेष कृपा है, तो साधु का श्राप मतलब आशीर्वाद हमारे लिए, ये समझ में। फिर भी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना ये जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे होगा, लेकिन ये बहुत सुंदर लीला है कि कैसे नारद अलग अलग लोगों को उधार देते। अभी अगर नारद वहां नहीं पहुंच गए वहां ऊपर, तो नाला कुबेर मणिग्रीव वहां पर इंजॉय करेंगे, जब तक पुण्य होगा वो क्षीण हो जाएगा, तो यहाँ आना होगा। तो जरूर नहीं था कि भगवान से मिलेंगे बाद में, लेकिन क्योंकि नारद, क्योंकि कृष्ण के जो बाग थे उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने श्राप दिया, तब उन्हीं की कृपा से दर्शन हुआ। बीच में कष्ट हुआ, तपस्या हुआ, अगर व्यक्ति तैयार नहीं है तपस्या करने के लिए ऐसा है, तो तब वृक्ष के रूप में तपस्या करना था। तो एक और शिक्षा है, नाशा लेना सही नहीं है, क्योंकि मानिग्रीव नारद कुबेर अगर नाशे में नहीं थे तो तब आचरण सही हो सकते, लेकिन नाशा लेने की वजह से वो अपना वो मर्यादा सही से पालन नहीं किया। तो ये है कि अगर हम नाशा लेते तो हम अच्छे से आचरण नहीं कर पाएंगे, तो अपमान तो करेंगे ही करेंगे, किसी ना किसी व्यक्ति को हम अपराध करेंगे। पीने के वजह से लोग घर पर झगड़ा करते हैं, पत्नी को पिटाई करते हैं आराम से, उनके लिए आराम से, लेकिन उनके लिए पत्नी के लिए आराम से नहीं है, तो दिक्कत है, लेकिन उसका पाप भोगना पड़ेगा। तो ये सब चल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कृष्ण की लीला किस प्रकार की है, कि कृष्णा लीला में ये सब उदार देते भी, यशोदा माई को आनंद दे रहे, वृक्ष को गिराते, और मानिग्रीव नारद कुबेर को ऐसे मोक्ष दिया, मोक्ष नहीं, गोलोक वृंदावन में भेजा, स्वर्ग से कृष्णा लीला में पहुंच गए, बाद में गोलोक वृंदावन में पहुंच गए उसके बाद। तो इस प्रकार अभी उसके बाद, क्योंकि ऐसे संध्या हो गया, मतलब ये सब गिर गया, अभी बात हो रहा है ना, मणिग्रीव नारद कुबेर अपनी इतिहास बताते, तब तक सारे गोपियां पहुंच गए वहां, तो अंधेरा था वहां, लाइट नहीं है वृंदावन में, बिजली नहीं है, ठीक है, समझने के लिए की कोशिश कीजिए कि भक्ति और भगवान की प्राप्ति के लिए बिजली जरूरत नहीं है, ना तब भास है तो ते सूर्यो, ना शशांको ना पावक, यद गत्वा न निवार्तं ते तद धाम परमं मम, भगवान के जो परम धाम है उसमें सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ये आग जलाना कोई जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाशित है उन्हीं के परम धाम। स्वयं प्रकाशित मतलब भगवान से इतना तेज आ रहे कि सब दिखाई दे रहे, भगवान का जो ज्योति है उनसे। तो गोपियां अभी कहाँ है कृष्ण, क्योंकि वृक्ष बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं, तो वो दिया जलाते और देखते हैं कृष्ण कहाँ है।
इसलिए हम जो कार्तिक है महीना उसमें हम दीप दान करते दामोदर को, माना है कि उस समय गोपियां ने ऐसे खोज करने के लिए, जैसे आप लाइट जलाते कहाँ है कहाँ है, तो वो ऐसे दिया जलाते थे और देख रहे कहाँ है कृष्ण, तो बाद में मिल गया कृष्ण बीच में थे, तो सबको डर लगे कि ये कैसे हो सकते कि दो बड़े वृक्ष गिर गया, कैसे हो सकते, कौन ने गिराया, तो अभी कोई देखा नहीं, केवल भगवान कृष्ण के जो मित्र ग्वाले हैं जो उनके मित्र हैं वो वहां खेलते थे, वो देख रहे थे कि कृष्ण ने गिराया, लेकिन बड़े बड़े गोपियां और यशोदा कोई नहीं देखा कि कैसे हुआ। तो ये छोटे बच्चे बता रहे थे ये एक कृष्ण बीच में चले गए, वो फंस गए और गिर गया, और बाद में दो दो देवता वहां पहुंच गए और कृष्ण की स्तुति किए। तो ये गोपी बड़े लोग विश्वास नहीं किया कि ये बच्चे कुछ भी बोलेंगे, वो विश्वास नहीं किया कि सोच रहे थे कि ये कृष्ण बच गए, अभी क्यों बच गए, भगवान की कृपा से, क्योंकि वृंदावन में किसी को पता नहीं कि कृष्ण भगवान है, सब सोचते कि हमारा पुत्र है, हमारे प्रिय पुत्र है, ये हमारे भाई है, ये सोचेंगे कि ये हमारे मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है कृष्ण, सोचेंगे जिस तरह रानी और गोपियां बाड़े जाए ये तो हमारा प्रेमी है, बस यही सोचते। परंतु क्या है वृंदावन में कि सब लोग कृष्ण को इतना पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा सबका आसक्ति है कृष्ण के लिए, जैसे आपका आप लोगों का अलग अलग घर है गांव में, आपका आसक्ति है अपना घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, है कि नहीं, अगर आपके बच्चों के साथ कुछ दिक्कत है तो आप बहुत परेशान हो जाते, अगर पड़ोसियों के घर पे कुछ दिक्कत हो रहा है, बच्चे बीमार है, तो आपको कोई मतलब नहीं है, है कि नहीं, लेकिन वृंदावन में ऐसा है कि जो जो गोपियों के जो बच्चे हैं ठीक है वो है, लेकिन कृष्ण जो है सबका आसक्ति है उनके लिए, और यही सनातन धर्म है, हमारा आसक्ति होना चाहिए कृष्ण के लिए, बाकी चीज सब क्षणिक, वृंदावन में कुछ भी क्षणिक नहीं है, क्योंकि यह भगवान के नित्य धाम है, इसलिए वहां पर सब कुछ चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। तो कृष्णा इस प्रकार कुछ लोग विश्वास किया कि शायद कृष्णा ने गिराया, और सोचते थे कि ये कृष्णा शायद कोई बार कोई देव आता है, ऐसे कुछ होगा, इतना सोच जानते नहीं, और क्यों नहीं जानते, क्या यशोदा माई गोपियों के पास ज्ञान नहीं है क्या, है, वो सबसे बड़े बात है, परंतु प्रेम के वजह से योग माया भगवान की जो अंतरंग शक्ति है सबको आवरण करते हैं, क्योंकि अगर गोलोक में सोचेंगे ये जो कृष्णा है ये भगवान है, तब उनको ऐसे प्रेम से लीला उनके साथ इस प्रकार के प्रेम के साथ नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे ये भगवान है तब उनको प्रणाम देना, उनको आलिंगन नहीं कर सकते, ये जो कृष्णा के मित्र है ग्वाल है कृष्णा को अपना उचित खिलाते, ऐसे लाडू खा लेते थोड़ा और बोले बहुत बढ़िया बढ़िया कृष्णा तुम भी खाओ ये आपके लिए सबसे बढ़िया लाडू है, तो कृष्णा खाते, वहां पर ये कोई नियम नहीं है, वहां प्रेम है बस, लेकिन अगर सोचेंगे कि ये भगवान है तो तब उचित तो नहीं खिलाएंगे, तो इसे योग माया ऐसे कर रहे हैं कि वहां पर सबको सब किसी को कुछ पता नहीं, बस कृष्णा का कृष्णा हमारा मुख्य केंद्र है, उन्हीं को उनको प्रसन्न करना, उनको देखना, उनके साथ लीला करना, बस उन्हीं की सेवा करना, यही उद्देश्य है, और वास्तव में निस्वार्थ भाव भक्ति यही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कृष्णा ये सब लीला कर रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ कि जैसे लोग कई बार आते और कुछ ना कुछ सामान बेचते, यहाँ सब्जी तो शायद नहीं बेचते लेकिन समोसा हम देखा ना, आइसक्रीम सब्जी भी आते घर घर, तो वहां पर ऐसे हुआ कि वहां पर दूसरे गांव से पहुंच गए, वहां पर कोई एक औरत जिसमें उनके पास अलग अलग फल था बेचने के लिए, तो अभी कृष्ण ने कई बार देखा कि जब कोई आते बेचने के लिए तो यशोदा माई कुछ पैसा देते, ये नहीं तो कुछ अन्न देते, और बाद में फल
उनसे प्राप्त करते हैं बिजनेस एक्सचेंज। तो कृष्णा भी देखा कोई नहीं था, तो उन्होंने पकड़ लिया, अभी छोटा बालक है वहाँ पकड़ लिया थोड़ा गेहूँ अन्न, दोनों छोटे अंक है, उनके हाथ बहुत छोटे हैं, पूरा पकड़ लिया से, लेकिन रास्ते में सब गिर रहे गिर रहे गिर रहे। जब तक वहाँ पहुँच गए तो केवल थोड़ा ही था, तो ऐसे दिया वो औरत को, लेकिन वो औरत देख रहे कृष्ण को वहाँ से, तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कृष्ण, कि वो इतना प्रेम में पूरा। तो वो औरत ने स्वीकार किया जितना भी कृष्ण दिया, और सारे फल जितना भी था उनको दिया। तो उसके लिए जितना कृष्ण दिया शायद एक फल अगर देंगे, ये इतना भी नहीं, कुछ नहीं मिला, दो तीन धान मिला, धाना क्या बोलते बीज जो आन था, फिर भी सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण इतना सुंदर है, बस उनको देना प्रेम के वजह से। और कृष्ण ने ले लिया फ्रूट, और औरत ने ये जितना भी आन मिला उसी टोकरी में रखा और चले। और बाद में जब देखा अंदर में ये पूरा सोना ही क्या बोलते अलग अलग हीरा फुल हो गया। ऐसे कृष्णा आपने श्री से दिया। जब भी भक्त निस्वार्थ से सेवा करते भगवान की, फिर भी कृष्णा भक्तों को सब कुछ देंगे, तो ये हमारा दिक्कत है। क्यों? जब लोग भक्ति करते कई बार तो दुख दुखी हो जाते हैं, पैसा नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत आसक्ति है इस चीज़ों में। तो भगवान की हम निस्वार्थ हो जाएंगे भगवान थोड़ा निकाल देते, लेकिन अगर वक्त वास्तव में हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो भगवान सब कुछ देंगे, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देख रहे कि वृंदावन में, वृंदावन क्या है, वहां सब ग्वाल है, भगवान सब गायों की सेवा करते, खेती का काम करते, हाँ गर्ग मुनि है, ब्राह्मण है, वो अपना कार्य कर रहे सब, लेकिन सब जो भी है सब केवल कृष्ण के लिए ही करते हैं। तो ये भगवान की लीला है, बहुत सारे ऐसे लीला है वृंदावन में, जो कृष्ण बहुत सारे असुरों को मार देते हैं। पूतना के बारे में हम उस दिन चर्चा किया, कृष्ण ने आगसुर, एक आगसुर है जो बड़ा सांप का रूप धारण किया, तो उस समय आगसुर ऐसे वन में अपना प्लान बनाया, योजना बनाया कि अपना मुंह खोल के ऐसे लगेगा सारे ग्वालों को कि एक गुफा है, क्योंकि एक ग्वाल है और कृष्णा कई बार गुफा में जाते खेलने के लिए। उन्होंने सोचा ये अंदर मुंह के अंदर आएंगे तो हम बंद करेंगे, सबको कतल करेंगे। तो जब ये बड़ा सांप था, इतना बड़ा था कि आकाश तक बड़ा मुंह था, जब खोल दिया तो जब ये ग्वाले देखा ये गुफा लग रहा है लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उस बाहर बहुत दुर्गंध आ रहा है और बहुत गर्म हवा आ रहा है, तो बाद में सबको समझ में तो लग रहा है कि तो एक बड़ा सांप है। तो आप अगर ऐसा इतना बड़ा सांप देखेंगे आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। लेकिन ग्वाले क्या बोलते हैं? साफ है, ऐसा लग रहा है कि दूसरा एक और असुर है। तो अभी कृष्णा ने इतना सारे असुरों को मार दिया, अभी तक ये ग्वालों को कोई डर नहीं था। कृष्णा तो है ना, जो भी कुछ होगा कुछ कृष्णा कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है चलो अंदर, सब लोग अंदर चले गए, लेकिन कृष्णा बाहर देख रहे, ये तो असुर है, ये तो सबको खत्म करेंगे, ये लोग क्यों अंदर जाते। तो बाद में सारे ग्वाले अंदर गए लेकिन असुर ने प्रतीक्षा किया, मुंह बंद नहीं किया, जब तक जब कृष्ण जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि उद्देश्य था कृष्ण को खत्म करना, ये कांस महाराज का आदेश था। तो कृष्ण भी बाद में अंदर में ही प्रवेश किया, बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, खत्म। अभी देवी देवता ये सब देख रहे सब परेशान हो गए, क्या होगा अभी। तो वानर ने किया अंदर में, वास्तव में सारे ग्वाले कृष्ण के मित्र मर गए, क्या कैसे हो सकते। तो वास्तव में कृष्ण ने उस समय क्या किया, कृष्ण ने यहाँ जो गाला है वहां उन्होंने पस मतलब वो तोड़ दिया, मतलब वहां तोड़ने में थोड़ा
अपने को बड़े बनाए और वो सफोकेट हो गए, हवा नहीं आ रहा, मर गया आगे सूर्य इस प्रकार। और बाद में कृष्ण ने अपने दृष्टि से केवल सारे ग्वालों को देकर सबको जीवित हो गया, सब बाहर निकल, कृष्ण ने तोड़ दिया उसको सांप, ये सबको बाहर, सब बाहर निकल गए। तो सबको लगा कि हम बस सो गया क्यों। और ये जो आगासुर है उसका जो आत्मा है यहाँ से निकल गया और मुक्ति प्राप्त किया उस समय, ऊपर से देवी देवता देख रहे, ब्रह्मा देख रहे, देवी देवता, और ब्रह्मा मोहित हो गया, सोच रहे अभी पहले ये देखा ये लीला, बाद में क्या हुआ, उस लीला के बाद सबको भूख लग रहा है। ये बात हुआ जब कोई भी असुर का मार देते कृष्णा, तो बाद में उसके बाद सबको भूख लग रहा है। तो उस समय कृष्णा ने ग्वालों के साथ वहां यमुना के किनारे में, यमुना तीरा वानाचारी, यमुना के किनारे में कृष्णा चलते हैं और लीला करते हैं। तो वहां पिकनिक हो गया, पिकनिक मतलब अभी जो लंच बॉक्स है, जो सुबह सुबह यशोदा माई और गोपियां अपने बच्चों को प्रसाद मतलब भोजन देते कि जब वन में भूख लगेगा कि खाएंगे, तो सब लोग एक साथ बैठ के कृष्ण के साथ और खोलते और भोजन शुरू किया। तो वहाँ वर्णन है लाखों लाखों करोड़ों वास्तव में ग्वाले हैं कृष्ण के, ऐसा नहीं है कि 10-15-30 ऐसा नहीं, वहाँ पर वास्तव में असंख्य ग्वाले हैं और कृष्ण बीच में है, ठीक है। तो अभी कृष्ण ने अपनी शक्ति से ऐसा किया कि हर एक ग्वाला ने सोचा कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे और मेरे साथ बात कर रहे, सबको ऐसे ही लगा। तो ये कैसे संभव है, अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं उस समय आपको नहीं देख सकता, और आप समझ सकते हैं जब मैं वहां देख रहा हूँ कि मैं वहां देख रहा हूँ। लेकिन कृष्ण ने ऐसा किया कि सबको लगेगा कि कृष्ण हम मुझे देख रहे और ऐसे भोजन करते। लेकिन ब्रह्मा अभी भोजन ये खाते, कृष्ण को खिलाते, कृष्ण को भी वो चीज खिलाता, कृष्ण ये हाथ, इस हाथ से खाना है क्या, खाने का है, कौन सा हाथ है खाने के लिए, दाहिना, और ये सुधनी। तो लेकिन कृष्ण ने वो इस हाथ से भी पकड़ लिया उस समय और खाया उनके इस हाथ में था। तो ब्रह्मा देखा ये तो कैसे हो सकता, ये तो भगवान नहीं हो सकता, हमारे भगवान हमारे पिता जी, उनके पिता जी तो गर्भोदक्षाई विष्णु है, तो वो कैसे हो सकते कि ये वो ऐसा व्यवहार करेंगे। उस त्वरा उनको दावता हूँ संशय कि ये भगवान है कि नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसे बनाया कि जब तक ग्वाल और कृष्ण के साथ भोजन करते तो जो बछड़े थे ब्रह्मा ने सबको चोरी किया, सबको अपने शक्ति से सीधी से सबको ले लिया और एक गुफा में छुपा के रखा और सबको सुलाया हुआ। और अभी धीरे धीरे ये ग्वाले को समझ में आया कि ये हमारे बच्चे कहाँ, तो सब परेशान हो गया। तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, कोनो बात नहीं, बैठो बैठो, तो आप आराम से खाओ और मैं अकेले जाऊँगा, देखूँगा कहाँ है। तो ऐसे ग्वाले खाते और कृष्ण चले गए। देखिए कृष्ण भी सेवा कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, उनका कोई वो नहीं है कि बाप उन्हीं की सेवा करेंगे, हाँ करते हैं, लेकिन कृष्ण भी कृष्ण अकेले चले गए। तो बहुत दूर तक गया कहीं नहीं मिला, तो तब तक ब्रह्मा ने क्या किया, ये ग्वालों सारे ग्वालों को छुपा दिया, गुफा में रखा, सुला दिया सबको। कृष्ण वापस आ गया, कोई नहीं है, एक भी ग्वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दिक्कत हो गया ना, अभी घर पे जाएंगे वापस तो क्या बोलेंगे गांव में, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, आपने शरीर से विस्तार किया और सारे ग्वालों को यथारूप जैसे रूप था वैसे ही बनाया, आपने से विस्तार किया और सारे बच्चों को भी सबको बनाया यथारूप, मतलब कि आप समझ में नहीं आएगा कि ये कोई दूसरा है, एक सेम टू सेम।
पर बस अभी जैसे कार्य चल रहा है ऐसे चला, सब लोग वापस जाते हैं, एक साल तक चल रहा है। लेकिन ब्रह्मा लोक में दो मिनट के बाद ब्रह्मा वापस आ गया देखने के लिए, अभी क्या कृष्ण ने क्या किया, लेकिन वहां दो मिनट, यहाँ एक साल हो गया। तो ब्रह्मा देख रहे कि सब लोग ऐसे ही है जैसे पहले था, सब कुछ चल रहा है। तो दाऊद क्या हुआ, ये गुफा से लोग निकल गए, वापस आ गया। तो गया देखने के लिए, वहां सब लोग हैं, बच रहे हैं, ग्वाले हैं, सब सो रहे हैं। वापस आया देखने के लिए, यहाँ भी। तो उन्होंने विचार किया कि शायद इतना जल्दी वापस चले गए, तो वापस गए फिर भी। तो ऐसे आगे पीछे बार बार गया, परेशान हो गए, कैसे हो सर, क्योंकि ब्रह्मा जो है उनके पास ऐसा सीधी है, तो उनको हम धोखा नहीं दे सकते, हम उनको घुमा नहीं सकते, लेकिन अभी कैसे हो सकते हैं। तो बाद में कृष्णा ने क्या किया, जब ब्रह्मा दोबारा देख रहे वहां सारे जो बछड़े और ग्वाले हैं, वो उसका असली रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, ये सब विष्णु के रूप थे, बछड़े भी और ग्वाले भी, जितना भी थे सब चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया। और वाना ने कि हर एक विष्णु के पास अलग सेट ऑफ 33 देवों का, ब्रह्मा शिवा आदि सब पूजा करते थे। मतलब एक विष्णु का रूप के पास अलग ब्रह्मा, अलग शिवा, अलग सूर्य, अलग उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। दूसरा रूप के पास अलग शिव जी, अलग ऐसे ब्रह्मा, ब्रह्मा ये सब देकर चकित हो गया, अभी गलती किया, मैंने गलती किया, ये भगवान, ये भगवान, मैंने क्या किया, समझ गया ये तो कृष्णा, केवल कृष्णा ऐसे ही कर सकते। और बाद में सारे जो रूप थे वापस लीन हो गया कृष्णा, कृष्णा के कृष्णा ग्वाला बांसुरी ये शांत है, वो बजाते हैं बैल का जो हॉर्न है, तो ये उनके पास है दम है, और ऐसे है कृष्णा मोर पंखा और सारे विष्णु रूप उनके अंदर वापस चले जाते। तब ब्रह्मा वहां पहुंच गए, प्रणाम दिया और स्तुति किया। उसमें उन्होंने बताया बहुत सारे चीज शुद्ध भक्ति के बारे में, बहुत बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया भगवान की स्तुति में। उसमें से एक विशेष चीज था, उन्होंने कहा कि हो सकते कि कोई व्यक्ति बोलेंगे कि मैं कृष्णा को जानता हूं, परंतु मैं अपने बारे में बोल सकता हूं को मैं कुछ भी नहीं जानता हूं कृष्णा के बारे में। तो ब्रह्मा ने उन्होंने कृष्ण को देखा, स्वयं देखा कि कृष्ण का शक्ति कैसा है, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन आजकल यहाँ कलयुग में लोग बहुत बड़े बातें करते हैं, बहुत समझा, बहुत बड़े पंडित हो गया कि कृष्ण ऐसा है ऐसा है, हम जानते कृष्ण को, क्या जानते। ब्रह्मा बोले कि मैं नहीं जानता, जिन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण को कृष्ण के पास पहुंच गए। तो ये शिक्षा है हमारे लिए कि हम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते, परंतु कृष्ण हमको धोखा दे सकते। कृष्ण सबसे बड़ा व्यक्ति है, हमने बात किया, सबसे बड़ा ईश्वर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेमी है और सबसे बड़ा चोर भी है, और जो भी का आप सोचेंगे कुछ सबसे बड़ा सब कुछ कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण जब माखन चोरी कर रहे हैं जो उन्होंने किया, वास्तव में माखन उन्हीं का है, चोरी नहीं करते नहीं। अगर चोर आएंगे आपके घर पे, मीन्स कोई आएगा तो चोरी करेंगे, तो आप गुस्सा हो जाएंगे, हमारा है आपकी चोरी करो। लेकिन अगर कृष्ण आएंगे आपके घर पे, तो समझ रहे हैं कि उन्होंने वो उन्हीं का सामान है, उनका अधिकार है लेना। अगर आप सोचेंगे कि नहीं है, फिर भी वो अगर ले जाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनका नाम है हरि, उनका नाम क्या है, हरी, क्योंकि हर लेते, क्या हर हर लेते, बहुत सारी चीज, भक्तों का दुख हर लेते, क्योंकि भक्त समर्पित हो जाते, मोक्षाई श्यामी मां सुचा, भगवान मोक्ष देते दुख से। बाद में क्या हर लेते, भक्तों का दिल हर लेते, और भक्त जो पूरी तरफ से सिद्ध नहीं है, क्या बोलते कृष्णा, कैसे हम अनुग्रहना में हरिष्य तदनम शनाई, ऐसे बाकियों का दान हर लेते भगवान,
जिनका आसक्ति है कृष्ण की सेवा में और साथ साथ आसक्ति है संपत्ति में और दान में, तो भगवान ये दान हर लेते धीरे धीरे, और बाद में जब निस्वार्थ से सेवा करते सब कुछ दे देते। तो ये कृष्ण है, तो कृष्ण की सेवा में कोई कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे लीलाएं हैं कृष्ण के बारे में, तो अगर हम ऐसे लीलाओं के बारे में सुनते तो हमारा इच्छा होना चाहिए कि हम कृष्ण के पास जाएंगे, उसी लीला में हम जाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और ये शास्त्रों का अंतिम सिद्धांत है, भगवान को प्राप्त करना। कृष्ण बार बार बताते माम उपेत्या तो कामते या पुनर्जन्म ना विद्यते, कोई व्यक्ति मेरे पास पहुंच गया तो दोबारा जन्म नहीं देखेंगे। लेकिन ये बहुत संक्षेप भगवान ने कहा, जब हम उनके पास पहुंच जाएंगे क्या होगा, वहां क्या करेंगे? लोग बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो मोक्ष के बाद क्या करेंगे? ब्रह्मा ज्योति से लीन हो जाएंगे तो वहां कोई काम नहीं होगा, कोई सेवा नहीं होगा, कोई प्रेम कुछ नहीं होगा। इसीलिए मोक्ष मतलब भक्ति, भक्ति मतलब भगवान के धाम में पहुंचेंगे और वहां उसी लीला में प्रवेश करेंगे जहां कृष्ण को कृष्ण की सेवा करेंगे दिन भर निस्वार्थ भाव से, और उसमें केवल आनंद ही आनंद है, उसमें कोई दुख नहीं होता। तो तब कृष्ण के साथ जाना है वन में गो सेवा करना, ये गोपियों के लिए मंथन करना, और साथ साथ कृष्ण का गुणगान करना। वानर है कृष्ण ग्वालों के साथ जाएंगे बाहर, गोपिये घर पे रहेंगे और बहुत भगवान का स्मरण करेंगे विराग भाव में, बहुत लगेगा दुख है कृष्ण चले गए कब आएंगे, बहुत सब शून्य है, लेकिन कृष्ण ने जो भी लीला किया वो सब स्मरण करेंगे और गुणगान करेंगे। कृष्ण ने ऐसे किया, पुरनों को मार दिया, अर्जुन वृक्ष को गिरा दिया, ये किया वो किया, और चिंता करेंगे कि कृष्ण के पास चापल नहीं है, ये हुआ। उससे पहले अभी हम देखे कृष्ण बाहर जा, लेकिन उससे पहले कृष्ण घर पे थे, कृष्ण और बलराम वन में नहीं जाते थे, तो देखा कि बाकी दूसरे ग्वाले जाते हैं बछड़ों के साथ, तो कृष्ण एक बार बोले कि मुझे भी जाना है नंद महाराज। तो क्या बोल रहे हैं नंद महाराज, देखो जंगल में बहुत दिक्कत होगा, वहां पत्थर है कांटे है, तो आपका जो पांव है बहुत कमल है, तो वो जब जाएंगे फंस जाएगा, कट हो जाएगा, आपको बहुत दर्द होगा। और नंद महाराज यशोदा माई गोपी है, केवल विचार कि भगवान को कुछ दिक्कत होगा उनको इतना दुख लग रहा है कि कृष्ण को थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कृष्ण को नहीं जाना है वन में। लेकिन कृष्ण ने इतना बोल रहे कि जाना है जाना, मुझे घर पर मैं क्या करूंगा, बोरिंग लगता है जाना है। तो बोल रहे नंद महाराज ठीक है, तो हम आपका जो पांव है नाफ करेंगे, तो पादों का बनाएंगे आपके लिए, तब जाओगे, तब जा सकते। कृष्ण ने बोला कितना गाय है, 9 लाख गाय है। कृष्ण ने कहा कि ये गाय और बच्चे जो है उनके पास पादों का नहीं है, उनके पास कोई चप्पल नहीं है, लेकिन वो घूमते वहां। तो कृष्ण ने कहा हे नंद बाबा, पहले आप सारे गायों के लिए पादु मतलब चप्पल बनाओ, तब मैं भी चप्पल पहनूंगा। अगर आप गायों के लिए नहीं करेंगे तो मैं भी कभी नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा। कृष्ण का इतना प्रेम है गाय के लिए कि वो उन्होंने व्रत दिया, जब तक गाय चप्पल नहीं पहनेंगे तब मैं भी नहीं पहनूंगा। तो नंद महाराज ने ये कैसे करेंगे, 9 लाख गाय है और हर एक गाय के 4 पांव है, ये कितना बेबना, ये संभव नहीं। तब कृष्ण ने कहा मैं भी नहीं पहनूंगा, बस नहीं पहनूंगा। और अभी तक कृष्ण वृंदावन में कभी भी चप्पल नहीं पहनते, कृष्णा बिना चप्पल बिना पादू का चलते, और वृंदावन में कृष्ण के जो पदा चीन है अभी तक है, मतलब वहां पर सारे जानवर और गाय ने संकल्प दिया कि कृष्ण का जो पादा चीन है
वहां उसके ऊपर कभी नहीं चलेंगे, इसको कभी नहीं मिटाएंगे। ये नियम था सबका, क्योंकि ये वास्तविक अलंकार है पृथ्वी के लिए, वृंदावन का ये कृष्ण का पादचिन्ह, जिसमें अलग अलग क्या बोलते हैं, एक अलग निशान है, अलग कमल का फूल, बहुत सारे चीज है वहाँ पर, जिससे पहचान है कि ये कृष्ण का है। तो अभी ऐसे नंद महाराज नहीं दे पाए तो कृष्णा इसलिए संकल्प दिया कि मैं चप्पल कभी नहीं पहनूंगा। परंतु कृष्ण का दिव्य दिव्य जो शरीर है कभी भी नाश नहीं हो सकता। लेकिन गोपियां चिंतित है, अभी कृष्णा बिना चप्पल चलते वहां पत्थर है काटते हैं तो उनको बहुत दर्द होगा, तो इसके बारे में सोचते कि ये कैसे होगा, कृष्ण कैसे 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 हो, कब आएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा, बार बार यही चर्चा विचार ही है। तो ये हमारा गति, हमारा हेतु होना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे और कैसे हम उनको प्रसन्न करेंगे, कैसे हम उन्हीं की सेवा करेंगे बारंबार। तो गोपियों का निस्वार्थ भाव कैसे, लोग बोलते रसलीला चर्चा करेंगे, रसलीला कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक शरणागति नहीं करेंगे उन्हीं की सेवा में, तब तक रसलीला के बारे में चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है, कोई केवल मनोरंजन होगा। लोग बोलते ये यहाँ लोग रस के बारे में चर्चा नहीं करते, पहले तो समर्पित हो जाओ। सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, पहले ये करना जो कृष्ण आज्ञा दे रहे गीता में वो पालन करो, बाद में रस लीला तो आएगा, तब हम समझ पाएंगे। अब केवल देखेंगे कि गोपियों का भाव कैसा है, ये सीखना है कि भगवान के निस्वार्थ भाव कैसे करना। लोग बोलते हैं हम सेवा कर रहे भगवान की और भगवान ये देंगे वो देंगे, और कम से कम कुछ नहीं देंगे, कम से कम हम आनंद और सुख में रहेंगे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि जब पहुंच गए वृंदावन में कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने कहा कि मुझे बहुत सर दर्द है, बहुत बहुत सर। तो क्या नारद परेशान हो, क्या करना, आपका सर दर्द कैसे ठीक हो सकता। कृष्ण ने कहा केवल एक दावा है, जो मेरे बाप है उनके चारण का जो धूली है वो अगर ऊपर लगाएंगे डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो नारद ने भाग गए वहां से, दौड़ के चले गए, देखा कहाँ कोई बाग, तो एक ब्राह्मण को मिला कहीं, तो बोले आप कृष्ण के बाग थे ने? हाँ हम कृष्ण के बाग थे, हरे कृष्णा। तो बोला कृष्ण को बहुत सर्द, अच्छा क्या करना, क्या सेवा करो, आपका जो चारण का धूली है दीजिए और कृष्ण के ऊपर सर पर डालेंगे लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वो कैसे हो सकते, अगर मैं अपना चारण धूली कृष्ण के सर पर दूंगा तो मैं ना रख जाऊंगा, तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, अपमान होगा। नहीं 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 हो सकता, ठीक है नारद चलेगा और कोई। तो दूसरे बाक्यों के पास पहुंच गया, दोबारा यही बता रहे, सब बोलते नहीं हम कृष्ण के स्तर पर कैसे अपना ये जूते ये कैसे करेंगे, हम नारद जाएंगे ये तो बहुत बड़ा अपमान है, नहीं 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 हो सकता, कैसे हो सकता। तो ऐसे चल रहा है सब जगह और कोई नहीं दिया। जब नारद गोपियों के पास पहुंच गए तो सब गोपियां नारद को स्वागत करते हैं और बताते हैं और पूछते हैं कृष्ण के बारे में आप मिला कि नहीं। हाँ कृष्ण का समस्या हो रहा है, उनका सर दर्द है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। तो नारद ने कहा कि आपका चरण धूलि अगर देंगे तो ठीक हो जाएगा कृष्ण के सर पर। तो गोपियां तुरंत हाँ ठीक है तुरंत लो तुरंत। तो नारद ने पूछा कैसे हो सकते, आपको डर नहीं है कि अगर आप कृष्ण के सर पर लगाएंगे तो ये तो अपमान, आप नारद जाओगे, आपको डर नहीं है नारद जाने से। तो गोपियां ने कहा नारद कोई बात नहीं है, अगर कृष्ण का जो सर दर है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, एक क्षण के लिए ठीक हो जाएगा, हम हमेशा के लिए तैयार है नारद जाने के लिए। ये गोपियों का भाव है निस्वार्थ भाव। तो अगर हम ऐसे हो जाएंगे तब हम रासलीला को समझ पाएंगे।
तब हम रसलीला में प्रवेश भी कर पाएंगे कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारे कष्ट उठाने के लिए और पाने के लिए हम तैयार हैं, नारक जाने के लिए भी। तो यही भक्ति है, ये वास्तविक बात है। तो ये हमें सीखना है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा कि अभी कृष्ण को कैसे हम प्राप्त करें। हमने कई बार चर्चा किया, हर दिन हम चर्चा कर रहे सुबह सुबह कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकते है। अभी काली युग है, हर एक युग में भगवान अलग अलग रूप में आते, कभी कृष्ण कभी राम कभी कभी अलग अलग रूप। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा रूप में भगवान आते हैं और क्या सिखाते हैं और अभी कलयुग में क्या सिखाए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे सत्संग है, हर एक सत्संग में अलग बताते, शिव जी का मंत्र जप करो, उसका मंत्र जप करो, दुर्गा का मंत्र जप करो, इस मंत्र जप करो, क्या सोहम जप करो, सही क्या है? कैसे पता होगा कि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहेंगे? इतना सुंदर लीला है तो कैसे होगा? तो यह हमें थोड़ा देखना है संक्षेप में। महाराज निमि ने यज्ञ किया बहुत बहुत पहले, अलग अलग दूसरे दूसरे युग में पहले। तो उस समय भारत महाराज के बारे में चर्चा हुआ, ऋषभदेव के 100 पुत्र पहले भारत, बाद में उसके बाद 9 और पुत्र जो है नव योगेंद्र, जो नारद मुनि जैसे दिव्य पुरुष है, जो सब जगह में ब्राह्मण कर सकते और धर्म का प्रचार करते। इस प्रकार निमि के यज्ञ में पहुंच गए सब। निमि ने स्वागत किया और जिज्ञासा शुरू किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उससे और भी दुर्लभ क्या है? शुद्ध वैष्णवों का संगति। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे भक्तों का संग प्राप्त किया। और उन्होंने जिज्ञासा किया, अलग अलग जिज्ञासा, उसमें से जिज्ञासा किया भी कि हर एक युग में भगवान कौन सा रंग में आते, उनका नाम क्या है और क्या क्या कार्य करते, क्या सिखाते। ये उन्होंने जिज्ञासा किया, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण ज्ञान। तो करभाजन ऋषि नावा योगेंद्रों में से एक, तो उन्होंने कहा, श्री करभाजन उवाचा कृतं त्रेताद्वा परंच कालीर इत्येषु केशवः ननावर्णाभिधाकारो नानैवाभिधिनेजते। करभाजन ऋषि ने कहा, चार युगों में कृत मतलब सत्ययुग, त्रेता द्वापर और काली, भगवान केशव वो प्रकट हो जाते अलग अलग रंग में, अलग अलग नाम से और अलग तरीका से उनकी पूजा हो रहा है। यहां बताएंगे सत्ययुग के बारे में। कृते शुक्ल चतुर्बाहुर जाति लो वल कलांबर कृष्ण जीनो पवित्राक्षा विभ्रादंदा कमांडलु। यहां बताएंगे सत्ययुग के बारे में। सत्ययुग में भगवान चतुर्भुज, उनका रंग है श्वेत, व्हाइट, पूरा श्वेत है चतुर्भुज रूप, और उनके हाथ में और उनका कपड़ा है ये जो वृक्ष का त्रिबार्क है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, जो साधु लोग पहनते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ता, पत्ता नहीं, साथ जो हाँ चमड़ा, जो वृक्ष का चमड़ा वही पहनते, साथ पहनते पहनते ये पहनते, और सेक्रेट रेट उपविता जाप माला, हरे कृष्णा माला है उनके हाथ में, उनके हाथ में दंदा है और कमंडलू, ये वर्णन। तो यहां बताते, मनुष्य मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैर सुहृदः समः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च।
कलयुग में लोग बहुत शांत है, द्वेष नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, बहुत मैत्र भाव करते सबके प्रति और भगवान की पूजा करते ध्यान के माध्यम से। कृत्य या तो विष्णु ये भी मान भगवान के बारे में ध्यान करते। अभी बताएंगे भगवान का नाम, उसके रूप का नाम क्या, अलग अलग नाम है। हम सुपानो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मनः ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। ये भगवान का अलग अलग नाम है सत्ययुग में। हंसा, हंसा अवतार, सुपर्ण वैकुंठ धर्म, योगेश्वर अमर, ईश्वर पुरुष अव्यक्त एन परमात्मा, इस नाम से भगवान को पुकारते थे सत्ययुग में। अभी त्रेता के बारे में बताएंगे। त्रेतायाम रक्त वर्ष वर्ण सौ चतुर्बाहु त्रिमेखला हिरण्यकेशस्त्रयात्मा श्रुक्षुर्वायुपलक्षण। अभी आप सोचेंगे त्रेत युग में तो राम आ गया, यहाँ पर और कुछ बता रहे, गलत हो गया, भागवत में मिस्टेक हो गया सर। नहीं, वर्णन है कि राम तो त्रेत युग में आते, लेकिन हर त्रेत युग में राम नहीं आते, ये एक ही बात। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को सिखाने के लिए आए थे, और विशेष जो हिरण मतलब जो रावण थे, जो उसी समय विशेष परेशान किया साधुओं को, तो उसको मारने के लिए आए। तो रावण हर हमेशा नहीं आते, कभी कभी लीला आते, हर एक त्रेता युग में नहीं। सामान्यतः त्रेता युग में युग अवतार, और ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला अवतार, वो लीला कवे, और त्रेता युग में जो अभी बताएंगे वो युग अवतार है। अभी युग अवतारों के बात हो रहे हैं, लीला अवतार वो भी भगवान ही है, और युग अवतार, युग अवतार अंतर ये है कि युग अवतार जो इसी युग विशेष युग के लिए जो धर्म पालन करना, किस प्रकार पालन करना वो सिखाने के लिए आते, ये समझ। त्रेता युग में भगवान आते हैं, उनका लाल रूप है, उनका चतुर्भुज है, सुवान सुवान बाल है, केश है सोना जैसे, उनके पास वेद है ब्रह्मचारी, और वेद और क्या कर रहे हैं वो होम करते हैं, उनके पास समान है कि होम जैसे यज्ञ अग्निहोत्र कैसे करना, ये करते हैं। ऋग सामा और यजुर्वेद के अनुसार ये कर रहे हैं। तो आगे वर्णन है, तम तरा मनुजा देवम सर्वदेवमयम हरि यजन्ति विद्यया माया धर्मनिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता युग में सब लोग काफी धार्मिक है, लेकिन धर्म कम हो गया, इतना सत्वगुण नहीं है जैसे सत्ययुग में था, परंतु तो लोग हरि की पूजा करते यज्ञ के माध्यम से। त्रेतयम यजतो मकई, ये वालन तो इस प्रकार उनकी पूजा हो रही अग्निहोत्र के माध्यम से, ये त्रेतयुग के लिए। अभी उनका नाम क्या है, विष्णु यज्ञ कृष्ण गर्भ सर्वदेव उरुक्रम विशाखा पयजंत उरुगाय इति यते। त्रेतयुग में भगवान का नाम विष्णु यज्ञ कृष्ण गर्भ सर्वदेव उरुक्रम विशाखापि जयंत उरुगाय, इस नाम से भगवान को पुकारते थे त्रेतयुग। अभी द्वापर युग, द्वापरे भगवान श्याम पीतवास निजायुधा श्रीवत्सादि विरंकैश्च लक्षणाय उपलक्षितः। यहाँ पर वर्णन है कि द्वापर युग में भगवान श्याम श्याम सुंदर रूप में आते, ये कृष्ण है जिसके बारे में हम बात किए, उनका पीतंबर वस्त्र, उनका जो दिव्या
शरीर है, श्रीवत्स, श्रीवत्स मतलब यहाँ विशेष अलंकार है जिसमें वास्तव में श्री लक्ष्मी वास करते कृष्ण के लाला में, और अलग अलग अस्त्र विशेष सुदर्शन है उनका अस्त्र कृष्ण के, तो ये वानर है कृष्ण के रूप के बारे में। वानर रामतरा पुरुषम मर्त्या महारजो पलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। द्वापर युग में जो भगवान को प्राप्त करना चाहते उनकी पूजा करते हैं, पूजा के माध्यम से महान राजा के रूप, महान ऐश्वर्य मय विधि के अनुसार पूजा करते हैं। आजकल अगर जाएंगे जगन्नाथपुरी वहाँ ऐसे है भगवान को छप्पन भोग हर दिन, बहुत ऐश्वर्यमय पूजा है, लेकिन ये सब जगह में नहीं हो सकते कलयुग में। तो त्रेता युग में द्वापर युग वर्णन है, द्वापरे परिचार्ययम, द्वापर युग में भगवान की पूजा ये विधि है। आप बताएंगे मंत्र जिससे भगवान का नाम बताते, नमस्ते वासुदेवाय नम संकर्षणाय च प्रद्युम्ना यानिरुधाय तुभ्यं भगवते नमः, नारायणाय ऋषाय पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। इस मंत्र से भगवान की पूजा हुआ कि भगवान आप ही वासुदेव है, संकर्षण प्रद्युम्ना निरुध जो चतुर्व्यूह है, आप पुनः पुरुषोत्तम भगवान, आप नारायण ऋषि हैं, ये इसी मंत्र में सब वर्णन है कि आप पूरा सृष्टि का सृष्टिकर्ता आप ही हैं, इसको इस प्रकार उनको प्रणाम दे देते। अभी आगे बताएंगे, अभी ये अभी कलयुग के बारे में बताएंगे। इति द्वापर उर्वेश स्तुवन्ति जागर ईश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलौ अपि तथा श्रीनु। इस श्लोक में बताते अभी मैं द्वापर युग के बारे में बताया किस प्रकार भगवान की पूजा हुआ, अब सुनिए कलयुग के बारे में। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कि कलयुग में कृष्ण कौन सा अवतार लिया, कौन सा बुद्ध अवतार तो आए, लेकिन कलयुग में कब कृष्ण तो चले गए, ये तो भागवत में वर्णन है, लेकिन कलयुग में कृष्ण आए क्या नहीं आए, आए क्या नहीं आए, नहीं आप देखेंगे आया ऐसे आप देखेंगे। कृष्णवानं त्रिशा कृष्णं संगोपांगस्त्रपर्षदं यज्ञ संकीर्तना प्राय यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्णवानं त्रिशा कृष्णं, कृष्णवानयेति मतलब जब कृष्ण आए थे उन्होंने बार बार कृष्ण के बारे में बताया क्योंकि भक्त रूप में आया। कलयुग में भगवान अपने संगोपांगस्त्र पार्षदों, संगियों और पार्षदों के पास के साथ आए और अस्त्रों के पास के साथ। तो कृष्णवर्णम उन्होंने भक्त रूप में आए, परंतु हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान किया कीर्तन के माध्यम से और कथा के माध्यम से। दूसरा है कृष्णवर्णम का अर्थ है जैसे अलग अलग वर्ण है और आश्रम, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन यहाँ बोलते कृष्णवर्णम इसका अर्थ है कि कृष्ण ही है, कृष्णवर्ण है, परंतु त्विषा कृष्ण इसका अर्थ है कि उनका जो चमड़ी है अकृष्ण है, क्योंकि कृष्ण है श्याम है काले है, देखिए है कि नहीं, लेकिन कलयुग में जब आए थे तो त्विषा कृष्ण वो उनका चमड़ी जो है गौर है, जैसे राधारानी है गौर, तब तक कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी गौरंगी है, ये राधारानी के एक नाम है। तो क्योंकि भगवान कृष्ण जब आए थे कैसे आए, राधा भाव द्युति सुविलिताम कृष्ण नवमी स्वरूपम, ये शास्त्र का उक्ति है कि कृष्ण है लेकिन राधारानी के भाव में, और राधारानी की जो
चमड़ी है, इसी रूप में आया। इसीलिए कलयुग में भगवान का नाम है गौरांगा, ये गौर सुंदर, और यही चैतन्य महाप्रभु है, उनका नाम है गौरांगा, गौर सुंदर, क्योंकि उनके जो अंग है गौर है, तो ये इसका अर्थ है कृष्ण वर्णम पिशा कृष्ण। और उन्होंने क्या सिखाया, यज्ञ संकीर्तना प्रयाण, संकीर्तन यज्ञ उन्होंने खुद ही सिखाया सब लोगों को। और उन्होंने वर्णन है यजंति ही सुमेधस, कि कलयुग में लोग उन्हीं की पूजा करेंगे संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। और कौन करेंगे, सुमेधस, जिनके पास ज्यादा बुद्धि है, जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में, वही उन्हीं की पूजा करेंगे संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। ये वर्णन है इतना इतना करोड़ों करोड़ों साल पहले कि कलयुग में ऐसे ऐसे रूप आएगा। और वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले बंगाल में नादिया में योगपीठ स्थान, वहां उनका जन्म हुआ और उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को सिखाया। और ये भागवत का प्रणाम है, दूसरे पुराणों में वर्णन है उनके बारे में, महाभारत में भीष्म पितामह बताते, भविष्यवाणी है उनके बारे में। प्रहलाद महाराज जब भगवान का नृसिंहदेव का गुणगान करते वहां बताते कि आप त्रियुगी है, त्रियुग में आप आते, लेकिन कलयुग में आप आते लेकिन आप चुप के आते, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आए वो कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, वो बोला कि मैं उनके बाप हूँ, इसलिए अवृत है। बाकी युगों में भगवान जब आते सबको पता है कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान इस ऐसे लीला कर रहे, बड़े बड़े असुरों को मार देते, ऐसे 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 गोवर्धन उठाते और ये सब करते कि सबको समझ में आया कि ये भगवान है। लेकिन यहाँ पर वो भक्त रूप में आया, उन्होंने केवल कुछ पार्षदों को दिखाया कि ये कृष्ण है, लेकिन शास्त्रों में प्रमाण है कि ये ही भगवान है। तो जो यहाँ पर बता रहे इसी आगे श्लोक में, वास्तव में उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु, भागवत का भविष्यवाणी बहुत पहले से है, 500 वर्ष पहले जो चैतन्य महाप्रभु ने किया उनका कार्य इसी अनुवानन के अनुसार मैच हो रहा है। यहाँ वर्णन है, जयाम सदा परिभावग्न अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम बृद्ध्यातिहम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महाप्रभु संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो जिनको ब्रह्मा शिवा विरिंची, विरिंची मतलब ब्रह्मा, शिवा मतलब महादेव शिव जी, जो उन्हीं की पूजा करते और उन्हीं के जो चरण है सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। और ये पूरा बहुत लंबा ये है, ये यहाँ केवल गुणगान करते हैं उनका, उनकी कार्या बताएंगे, ये ब्रह्मा और शिवा उनकी पूजा करते हैं और उनके पद चिन्ह एक नाव जैसे है जिससे भाव सागर को पार कर सकते हैं। ब्रह्मा शिवा उनकी पूजा करते हैं और हमेशा उनके चारणों का आश्रय खोज करते चाहते। तो अभी यहाँ आगे बताएंगे उनकी कार्यों के बारे में, त्यागवा सुदुष्टया सुरेक्षित राज लक्ष्मी धर्मिष्ट आर्य वचसा यद अगत अरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यहाँ पर वर्णन है कि उन्होंने लक्ष्मी को त्याग किया और उन्होंने अपने घर भी छोड़ दिया, संन्यास लिया और उन्होंने चले गए बाहर बद जीवों को खोज करने के लिए और सबको उद्धार करने के लिए। उन्हें खोज किया, बद जीवों के पीछे घर घर गया और प्रचार किया
ये ही श्यामा सुंदर है, ये उन्होंने किया वास्तव में। चैतन्य महाप्रभु उनका उम्र था 24 जब उन्होंने संन्यास लिए। उनकी पत्नी थी और माँ थी घर पर। 16 दिन शादी हुआ, उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद उन्होंने प्रचार किया। दक्षिण भारत में गए 6 साल पैदल प्रचार किया, बाद में वृंदावन भी गए और ज़्यादा समय तो जगन्नाथपुरी में ही वास करते थे। उसके बाद तो उन्होंने कैसे प्रचार किया, कीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे गांव गांव शहर शहर में चलते चलते गए और दक्षिण भारत में और जहां भी पहुंच गए लोग उनको देकर सब लोग बाघ बन गए तुरंत, क्योंकि उनका जो शरीर था बहुत लंबा था 6 फीट। अब ये जो मूर्ति है तो दिखा रहे ऐसे, यही उन्हीं की मूर्ति। तो उनका शरीर गोरा था, मतलब सोना जैसे, और का कमल का आँख। सब लोग जो देखा तो सब तुरंत मोह माया को पार किया, सब लोग भाग बन गए। पूरा गांव में सब लोग एकत्रित हो गए, आकर्षित हो गए, सब लोग कीर्तन में लग गए। और गांव के बाद दूसरा, और इस गांव से केवल उन्हीं के कोई भी व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त किया तो दूसरे गांव में गए। उसी गांव से कोई सामान्य व्यक्ति जो भगवान को देखा उस समय, तो एक उस उनको इतना शक्ति मिला कि जो दूसरे गांव में पहुंच गए तो वही दूसरा भाग ने सारे लोगों को वहां ही भाग बनाया। ऐसे शक्ति उन्होंने दिया चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने आपने भक्तों को, पार्षदों को, जैसे नित्यानंद प्रभु है जो वास्तव में उन्हीं के, ये कौन है, चैतन्य महाप्रभु तो कृष्णा ही है, लेकिन नित्यानंद प्रभु वाला ने स्वयं बलराम है कृष्ण लीला से, तो वो आए थे वहां पर। और ब्रह्मा भी, ब्रह्मा के बारे में बात हुआ, ब्रह्मा भी जन्म लिया उसी लीला में, हरिदास ठाकुर उनका नाम था। तो महाप्रभु ने पार्षदों को, विशेष नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा। सुनिए, ध्यान से सुनिए नित्यानंद और हरिदास, हर एक दरवाजा पर जाओ और भिक्षा मांगो। भिक्षा क्या, लोग क्या भिक्षा मांगते, पैसा चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला क्या मांगना है, सब लोगों से मांगना है, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये भिक्षा है कि आप कृपया आप लोग हरे कृष्ण जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, आप भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, आप कृष्ण का जो शिक्षा है गीता में वही पालन कीजिए, ये हमारा भिक्षा है। तो ऐसे करते थे, प्रचार करते थे। तो बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ, कुछ लोग नहीं मानते थे, बीच में कुछ डाकू भी थे। ये अभी हाँ तो डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो भी दिखाना है। तो ये संक्षेप में बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे भारत में प्रचार किया और ये प्रामाणिक भागवत के अनुसार यही भगवान है, ठीक है। अभी उन्होंने एक भविष्यवाणी दिया, उन्होंने कहा कि पृथ्वी ते आच यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोर नाम। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जितना भी गांव और शहर है, ये हरि नाम का प्रचार होगा, सभी जगह में हो प्रचार होगा, पूरा पृथ्वी, केवल भारत में नहीं। लोग सोचते थे बाद में कि ये उन्होंने कहा पूरा पृथ्वी, कैसे हो सकते, विदेश के लोग कैसे हरे कृष्ण कीर्तन करें, संभव नहीं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है अभी पूरा दुनिया में फैल गया, हर एक देश में, हर एक गांव में प्रचार हो रहा है। हमारा अनुभूति, क्योंकि हमारा विदेश में जन्म हुआ, हम हरे कृष्ण हरे राम नहीं जानते थे, भगवद गीता की गाय हमारी माँ है, विदेश में गोहात्या और गोमांस का भोजन। तो ये है,
हम उसी जगह में जन्म लिया, परंतु जो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी दिया वास्तव में सही है, वास्तव में भगवान है, क्योंकि वास्तव में हम ये भारी नाम भगवान का नाम जब प्राप्त किया तो हमारा परिवर्तन हुआ। और हमारा केवल नहीं, विदेश में लाखों लोगों का परिवर्तन हुआ। आप देखेंगे बाद में वीडियो में कि विदेश में कैसे ये प्रचार हो रहा है। तो वर्णन है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है, और भी एक रूप है भगवान का। हमने बोला कृष्ण आया कलयुग में के नहीं आया, के नहीं, नहीं नहीं आ गया, एक और रूप है। काली काल नाम रूप है कृष्ण अवतार कलयुग में। काली काल भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लिया। तो ये जो हम बोलते हैं महामंत्र, ये ही भगवान स्वयं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये जो ध्वनि है दिव्य दिव्य नाम है भगवान का, वही बाल गोपाल है जो माखन चोरी कर रहे हैं, वही जो पुतनों को मार रहे हैं, जो ब्रह्मा को मोहित कर देते हैं, वही है जो गिरिराज को उठाते हैं। यही उनका दूसरा रूप है जो कलयुग में प्रकाश हो गया, क्योंकि कलयुग में हम कठोर तपस्या बड़े यज्ञ और बहुत विस्तार में पूजा नहीं कर सकते। इसे भगवान अपनी आयतु की कृपा से इस नाम रूप में पहुंच गए यहाँ पर, जिसको हम बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और जप करने से कीर्तन करने से उन्हीं की पूजा कर सकते हैं और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ये भगवान कृष्ण है कलयुग में। तो ये जो है श्रील प्रभुपद हमारे परम गुरु, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी वास्तव में पूरी किया कि उन्होंने अकेले विदेश तक पहुंच गए और ये वाणी गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। उनके वजह से अमेरिका, यूरोप, जापान, अफ्रीका, रशिया और भारत में भी ये सनातन धर्म, जो सनातन धर्म के अनुसार हरि नाम संकीर्तन और भागवत का प्रचार यथारूप हो रहा है, उन्हीं के वजह से भगवान ने उन्हीं को शक्ति दिया, उन्हीं को भेजा कि लोगों को उदार देंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है। तो इसलिए जो भी हम सिखाते हैं, जो भी उन्होंने सिखाया वही हम सिखाते, वही हम बताते, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा विश्वास है कि ये शुद्ध वैष्णव है, भगवान के पार्षद है, इसीलिए हम विश्वास के साथ बताते हैं। लेकिन ये हमारा बात नहीं है। जो भी हम उनसे उन्हीं के पुस्तकों से पढ़ लिया, उन्हीं के प्रवचनों से सुनकर, हम हमारा संपूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो कहा वो सही है, नहीं तो हमारा परिवर्तन कैसे हो सकते। और इसीलिए हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि कृष्ण है भगवान, क्योंकि उन्होंने ये प्रचार किया और शास्त्रों में ये माना है। तो इसीलिए अभी हम उनके बारे में कुछ वीडियो दिखाएंगे, तुरंत तब तक तैयार कर सकते हैं। अभी तब तक जब तैयार चल रहा है और भी बताएंगे कि ये जो महामंत्र हम जप करते हैं हरे कृष्णा मंत्र, ये कहां से आ गया, कि ये कहां से आ रहे, कौन ये किया, कौन बताया। तो वर्णन है कि एक बार नारद ने जिज्ञासा किया ब्रह्मा जी से, हमने चर्चा किया कि ब्रह्मा ने इतना तपस्या किया और बाद में उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त किया और सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो ब्रह्मा को सब पता है वेदों के बारे में। तो जब नारद ने जिज्ञासा किया कि कलयुग में लोग जो इतना पापी है, सब लोग नरक जाएंगे पाप के वजह से, अब हम थोड़ा वो भी देखेंगे, कल हम देखा लेकिन सब लोग नहीं देखा, थोड़ा याद करने के लिए, नरक जाएंगे लोग, क्या उपाय है। नारद जिज्ञासा करे ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे उन्होंने समझाया कि इति शोधश काम नाम नाम कली कलम शनाशनम नतः परतरो पयात सार्वेदेश दृश्यते। ये 16 शब्दों का मंत्र जो है कली युग में जो कलमश है पाप नाशनम, सब नाश हो जाएगा। और पाप तो है,
काले दोष नहीं दे रहा था। काली युग दोष का सागर है, पाप का सागर है आपके यहाँ। ठीक है, पाप का सागर है। सब सब जानते हैं कि हम लोग पाप करते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र से पाप साफ हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हम तो दूसरा मंत्र जप करते हैं, और ये पहले से गुरु मंत्र है, लेकिन ब्रह्मा ने कहा नतः परतरूपयात सर्ववेदेषु दृश्यते। इस मंत्र से और भी अच्छा कोई भी मंत्र नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेद पढ़ो, तो ब्रह्मा को पता है वेदों के बारे में, तो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि यही मंत्र है। और हमारा अनुभूति है कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि हम वास्तव में सारे पाप छोड़ दिया विदेश में, गो हत्या, गो और मांस खाना और जुआ खेलना और नाशा लेना, सब चाय भी नहीं पीना, कोई दिक्कत नहीं है, इसी मंत्र में इतना शक्ति है। तो इसी परंपरा ब्रह्मा ने यह मंत्र नारद को दिया, नारद वेद व्यास ने सारे शास्त्रों को लिखित रूप में दिया, तो कड़ी संतराना उपनिषद में ये मंत्र दिया गया। तो इसी गुरु परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हम यही मंत्र को जप करते और कीर्तन करते। इसे आपको सबको ये करना चाहिए। ठीक बा, ठीक बा, हाँ बाद में सब मानेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा वीडियो दिखाएंगे, अगर किसी का कुछ प्रश्न होगा बाद में पूछ सकते। सब लोगों का भोजन हो गया? हाँ नहीं, फिर भी है ना, मिल जाएगा बाद में, कोई चिंता नहीं। तो पहले आत्मा भोजन, बाद में पेड़ पेड़। ठीक बा, एक बार अगर आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी तो पेट भी संतुष्ट हो जाएगा, फिर भी कुछ तो लेना पड़ेगा। प्रभु कैसे हो गया, हरे कृष्ण।